आप अंदाजा नहीं लगा सकते, पहली बार यूट्यूब के किसी इवेंट में हम जाने वाले, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। दोनों फ्रेंड बन गए क्या? उसके घर जाके हमला बोला जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो आज है डे 4 ऑफ मानसी इन भागलपुर। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग भागलपुर का क्या क्या शूट करने वाले। फिलहाल तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है एंड सुबह सुबह अभी वीडियो को अपलोड करके आ गए। आजकल यही हो रहा है, पता है, वीडियो अपलोड हो जाता है 8:30 तक, उसके बाद हम थंबनेल जाके बनाते हैं, आधा एक घंटा बाद थंबनेल आता है। खैर कोई ना, वीडियो टाइम पे आने से मतलब है, थंबनेल भी कोशिश करेंगे कि उसके पहले आ जाए और कोशिश करेंगे कि वीडियो ही पहले आ जाए। खैर ये सब छोड़िए, वीडियो तो अपलोड हो चुका है, इस वाले वीडियो को भी नेक्स्ट अगले दिन 8:30 बजे डाल देंगे हम लोग। और चलिए साथ मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। जब तक चलिए हमारा चाय बनता है, तब तक हम लोग पानी पी के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। अभी पता है 2 साड़ी में आउटलाइन प्लस कलर, ये दोनों को कंप्लीट करके उनको देना है, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कोलकाता जाने से पहले एटलीस्ट 4 से 5 साड़ी उनको देते हैं। एक कंप्लीट होकर जा चुका ऑलरेडी, एक अभी साड़ी लेके गई है वो करके देगी, बाकी जो 2 इधर है उसमें कलर वगैरह सब कुछ कम्प्लीट करना है, ये सब जल्दी से कर देते ताकि हम फ्री हो जाए, क्योंकि हमको बहुत सारा काम है यार। मतलब अभी हम लिस्ट बना रहे थे ना, तो उसमें भी पता चला काफी सारा चीज हमको लेना पड़ेगा। अभी तो ऐसा है कि वो जो सिलेंडर के ऊपर जो चूल्हा नहीं होता सीट वाला, तो वो ऑलरेडी है मेरे पास, मतलब वहाँ रूम पे रखा हुआ है कोलकाता में। तो हम सोच रहे थे कि चूल्हा ले ले, बट हम सोच रहे हैं ना फिलहाल अभी उससे ही काम चला लेते हैं और देखेंगे, अगर नहीं हो पा रहा ना तो ले लेंगे, क्योंकि फिर अभी ऐसे भी खर्चा होगा शिफ्टिंग में, ऐसे भी जानते ही होता ही है। बाकी चलिए पानी पीते हैं, फिर चाय हो गया हमारा उधर। सुबह का गर्मा गर्म चाय। आजकल देख रहे हो मेरा सेटअप लगता है बेड पे मस्त, ये टेबल के नीचे ना एक कुछ बिछा देते हैं, अभी तो टॉवल बिछाए, इसके पहले मम्मी को बोले थे छोटा सा एक बेड शीट था वो बिछाने के लिए, नहीं तो क्या होता ना इसका ये जो चारों साइड में वो होता है ना रबड़ का, वो टूट गया, इससे बेड शीट में खोच लग जाता है, तो इसके नीचे ये बिछा दिए एंड ऊपर से साड़ी। यहाँ पे टेंशन नहीं है साड़ी गंदा होने का यार, बेड है ना। ये कहाँ जाएगा पापा, डाइनिंग टेबल पलटा हुआ है, 2 बार तो अभी तक मैं ऊपर गया उसका, फिर यहाँ स्टोर रूम में रखा हुआ था। जब हम बहुत पैसा कमाएंगे ना पूरा मस्त इस वाले रूम को घर को बनाएंगे, अपना पूरा घर को बनाएंगे यार अच्छे से, वो सपना भी पूरा होगा, ऊपर जाएगा। अच्छा शैम्पू ले लिया, मम्मी बोली हमको अदरक लहसुन का पेस्ट लेके आने। डाइनिंग टेबल को पलटा के रखे, ऊपर जाएगा। मेरे यहाँ सामान की कमी नहीं है, डाइनिंग टेबल रहते हुए नीचे बैठ के सब खाएंगे, वॉशिंग मशीन रहते हुए मम्मी डेली हाथ से कपड़ा धोएगी, माइक्रोवेव रहते हुए मार्केट से केक आता है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। लो मामा तुम ये लो, मम्मी आज बना रही है बहुत ही मस्त सा ब्रेकफास्ट, बनने वाला है काफी चना आलू का सब्जी, और हम शैम्पू ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ शैम्पू भी करने का है। तो देखते हो मेरा सेटअप वापस से यहाँ आ चुका है, क्योंकि ना इस रूम में थे ना, रूम से मम्मी से बात करने में नहीं बन रहा था, मम्मी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, सोचे कि चलो यहीं बैठ जाते हैं थोड़ा सा कष्ट झेल के। बताइए अभी हम नहाने गए तो सोचे कपड़ा धोने का प्रयास कर लेते हैं, साबुन ऐसा था कि इतना गला मतलब गला नहीं, वो साइड से टूटा, गला तो जरा सा मेरी साइड से बहुत टूटा। भाई मम्मी बोल रही है कि तुम ऐसे तो छोड़ दी, बताओ मम्मी प्रयास कर रहे थे ना यार, अभी होता है शुरुआत में होता है, सोचे वहाँ तो वॉशिंग मशीन मेरा आएगा नहीं, वहाँ तो हमको हाथ से ही धोना पड़ेगा, तो चलो क्यों ना प्रयास कर लेते। बाकी मस्त अभी 40 से 45 मिनट तक नहाए यार, मजा आ गया एकदम, मस्त शैम्पू कर लिए और साथ ही में कपड़ा भी धो लिए हम अपना, और नहाते नहाते अभी हम इतना अच्छा अच्छा चीज सोच रहे थे कि आप लोगों को क्या ही बताएं। सोच एक छोटा सा तो जिंदगी है यार, क्या ही हम लोगों को करना है, मतलब ठीक है यार खुल के जियो, हंसी खुशी जियो, कभी किसी से लड़ो झगड़ो मत, कभी कभी अच्छा अच्छा विचार आता है मेरे। हम कुछ प्लान किए हुए हैं आप लोगों को, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फिलहाल। अभी चलिए, अभी छत पे पता है बारिश होने लगा, वही मम्मी बोलते हल्का फुल्का बूंदी हो रहा है, हम कपड़ा ही ऊपर में ही देते हैं, पेंटिंग करते करते हम गए थे ऐसे ही वॉशरूम, फिर हम सोचे कि चलो नहा ही लेते हैं। मम्मी मेरा ब्लॉग देख रही है कितना बढ़िया से, कितने शिद्दत से देख रही है, शिद्दत से बेटी को निहार रही है। बस से बारिश आ गया, हम आ गए थोड़ा सा दुकान पे, अभी पेंटिंग करने बैठे ही नहीं, इसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे ना तब करेंगे। हाँ हो गया ये 2.5 किलो, इतना सारा आम आया वापस से घर पे। ये कौन सा आम है मम्मी? बीजू? अच्छा मालदा है, मालदा को लंगड़ा आम भी बोलते हैं ना, कोई कमेंट किया था, हम लोग भी बोलते हैं ना कभी कभी, ये है बीजू आम जिसका सब्जी बनता है ना, इसी का ना सब्जी बनता है बीजू आम का, इसी का सब्जी बनाती है मम्मी। हाँ कलकत्ता में बोलता, वो बोले ना कि मेरे मालदा में जो है ना, हमारे मालदा में मालदा आम को मालदा नहीं बोलते हैं, लंगड़ा आम बोलते हैं। और गाइस हम दुकान से वापस आने के बाद बैठ गए पेंटिंग करने के लिए, थोड़ा सा बचा है चलो इसको कर देते हैं, कैनवास में कलर भरेंगे। ये गाइस यूट्यूब का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला यार, लिटरली हम उस दिन पता है इतना खुश, हम पागल हो रहे हैं उस टाइम से, हम जो आप लोगों को बोल रहे थे ना उस दिन यूट्यूब इवेंट का एक इन्विटेशन आया एंड फाइनली जाके अभी ईमेल आया कि कन्फर्म हो गया, हम इतना खुश है, हम इतना खुश है, क्या बताएं आप लोगों को यार, पहली बार यूट्यूब के किसी इवेंट में हम जाने वाले हैं।
आई एम सो हैप्पी। नजर का एक टीका लगा दीजिए हमको आप लोग। अभी मेरा दिन बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि नजर खुद का ही खुद पे नजर लग जाता है। सबर का फल ना बहुत मीठा होता है यार, बहुत मीठा होता है। गाइस आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इतना खुश तो हम एडमिशन लेने के बाद भी नहीं थे। लिटरली एडमिशन लेने के बाद हम बहुत खुश हुए थे, हम जता नहीं पाए थे क्योंकि जब हम एडमिशन लेने गए थे ना तो फ्रेंड के बड़े पापा थे, साथ ही में फ्रेंड लोग था ना, तो फिर हमको नहीं बना उस टाइम इतना उछलने कूदने में। लेकिन हाँ उस टाइम भी बहुत खुश थे। और अभी यूट्यूब ऐसे बहुत बड़ा बात है यार, हम आप लोगों को ईमेल दिखाते हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लर करके दिखाएंगे क्योंकि अभी मे बी उसका नाम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमको नहीं पता अभी पूरा इन्फॉर्मेशन। तो बस आप इतना जानिए कि हम एक यूट्यूब, आई वॉज लाइक पता है अंदर से ना पूरा पूरा थर थर आ रहे हैं हम कि हम किसी यूट्यूब इवेंट में जाने वाले हैं यार, भागलपुर से हम अकेली। बड़ा चीज़ है यार, बहुत बड़ा चीज़ है यार, आई एम सो 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 हैप्पी। तो चलिए अभी बैठे थे हम पेंटिंग करने के लिए और हम सोचे उस टाइम बता दें, एक्चुअली में पापा थे थोड़ा पापा के सामने बन नहीं पाता ना कूदने उछलने में, इसलिए हम बोले जाने दिए पापा को, पहले पापा को बता दिया, मम्मी को बता दिया, तो सोचे कि आराम से आप लोगों से आराम से बात करेंगे। बस यही था, सुबह सुबह बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिला। खैर चलिए हम लोग पेंटिंग को अभी कंप्लीट करते हैं, आउटलाइन कंप्लीट है, उसमें कलर वगैरह फिल करेंगे। और अभी गुड़िया को कॉल करके बताया, गुड़िया देखना ऐसा ऐसा हुआ, गुड़िया तो उछल रही, बोले जाओ तुम जाके हॉस्टल में हल्ला कर दो। खैर चलिए चलिए इस खुशी में पहले तो आज का ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लोग चाय पार्टी तो करेंगे ही। ऐसा साड़ी में कलर करना स्टार्ट किए, जब तक ये अच्छे से प्रॉपर नहीं सूखेगा इसको हम आगे भी नहीं बढ़ा सकते। देखते हो एक दूसरा बढ़ाए हैं और गलती से यहाँ हल्का सा दाग लग गया, क्या बोले यार। यहाँ मम्मी फल कट कर रही है, हम एक पपीता खाते हैं। देखो गाइस फाइनली ये टेबल यहाँ पे आ गया। बाप रे टेबल कब था यहाँ पे, याद है आप लोगों को, हम ना उस टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट ही किए थे, शेक वगैरह बनाते थे और मस्त यहाँ पे सेटअप लगा के अपना वीडियो बनाते थे। जब से गया था हम बहुत को मिस करते रहे एंड फाइनली नीचे से ही आ गया। एक्चुअली में ये नीचे इसलिए गया था क्योंकि सबका प्लान हो गया था कि नीचे शिफ्ट हो जाए, लेकिन फिर वापस से आगे नहीं नीचे नहीं रहेगा, तो फिर नीचे रह गया स्टोर रूम, मतलब स्टोर रूम का काम में आने लगा, इसमें टेबल वेबल में सब कुछ रहता था। और अभी फिर वापस से पापा और दादी को बैठने में नीचे प्रॉब्लम होता था, तो बोले कि चलो इसी को उठा के ले आते, तो ये आ गया। फिलहाल हम लोग नीचे नहीं गए लेकिन टेबल वापस ऊपर आ गया, पता है बाहर से उसको ऊपर किया, रस्सी से खींचे क्योंकि गली थोड़ा पतला सा और सीढ़ी से आता नहीं क्योंकि इसका ये पौवा जो होता है वो चौड़ा होता है ना। खैर अभी हम रेडी हो रहे हैं अपना ये वाला कुर्ती पहने, बहुत टाइम के बाद इसके नीचे पहने ब्लैक पैंट, ये भी बहुत दिन के बाद पहने। तुम मेरा अंग्रेजी सुधार देने जाओगे जिंदगी भर। तो गाइज मेरा आज का सारा काम हो चुका है, अभी कोई तो ऐसे झांक रहा है उसको इग्नोर करे ऐसे करके। अरे यार देखो ना सेम टू सेम मेरे जैसा कुर्ती पहनी है वहाँ। खैर आज का मेरा सारा काम हो गया, अभी जा रहे हैं हम अपने एक फ्रेंड से मिलने। इफ शी इज कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा देन हम आप लोगों को उससे मिलवाएंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर हम खुद से मिलके आ जाएंगे। बाकी चले चलते, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। एक्चुअली मैंने जब से हम फोन लिया ना नया, मेरा सारा कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, हम कितना कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किए, इंस्टाग्राम पे भी हमको वो मिल नहीं रही है, पता नहीं उसका कौन सा आईडी बंद कर लिया क्या किया, नया आईडी उसका मिल नहीं रहा है और कॉल वॉल का नंबर मेरे पास रहा नहीं, तो हम सोचे कि चलो क्यों ना मिलके खुद से घर जाके हमला बोला जाए। चलिए वैसे पता है आज हम बहुत टाइम के बाद अपना हील पहन के आए, कहाँ से वाला निकला, खोज रहे थे कुछ और हमको ये मिल गया, मतलब चलो इसी को पहन के जाते हैं। गाइस ऑटो के सब्सक्राइबर मीटअप हो गया, अब हम दोनों साथ साथ चलने लगे, दोनों फ्रेंड बन गए क्या। आपसे मिलकर बड़ा बढ़िया लगा, इतना सारा बात करने में खुशी हुई, मैं लाइफ में पहली बार किसी इन्फ्लुएंसर और वो भी आप जैसे इन्फ्लुएंसर से मिली हूं। चलिए हम दोनों साथ साथ चलते हैं, ये अपने घर जा रहे थे। एक्चुअली में आधा रास्ते में ऑटो चल रहा है, वो जो बारिश होता है ना तो फिर उल्टा पुल कौन सा पुल है बोला ना पुल, उसमें ना बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो ऑटो वाले भैया उधर जाने के लिए रेडी ही नहीं है, इसलिए ये भी आ गई पैदल, तो हम दोनों पैदल चल रहे हैं। मेरी चाय की शुरुआत यहीं से हुई थी गाइस। इधर आप प्यार करेंगे, आओ आओ ना जल्दी से, अभी नहीं देखिए कैसे चढ़ेगा। अच्छा हेलो गाइस हम निधि से मिल के आ गए और हम अभी आए मनाली, तो सोचे कि उधर वो वाला आइसक्रीम खाते हैं, उस दिन सोचे थे खाने का बट उस दिन मिला नहीं था, मे भी आज मिल जाए, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर। निधि वो आइसक्रीम आया क्या, वो 10 में एक बोले थे ना व्हाइट वाइज आइसक्रीम तो मिला नहीं, अभी हम आ गए गोलगप्पा खाने के लिए इस वाले भैया के पास, जो बहुत टेस्टी गोलगप्पा बनाते हैं। इतना जोर का बारिश होने लगा, देखते हो बारिश हो रहा है हल्का है लेकिन ऐसा बारिश है कि भीग जाएंगे, बादल पूरा छाया है। मनाली चौक कितना बढ़िया लग रहा है बारिश में, देख रहे हो। वैसे तो इस चौक का असल नाम क्या है लेकिन ये मनाली रेस्टोरेंट के वजह से इस चौक का नाम मनाली चौक पड़ गया है। आप लोगों को अगर पता है इस चौक का रियल नाम तो बताइएगा, एसएम कॉलेज चौक कह सकते हो। वैसे आजकल वापस से डायरी मेरा साथी बन चुका है, देखते हो दुकान डायरी और चार्जर लेके जा रहे हैं, बाकी इधर आलू टिकिया वाला नाश्ता बनाया जा रहा है गाइस। यहाँ निकलवन करेगा इसे, इनको निकाला है ये वाला बोरा गाइस।
तो गाइस फिलहाल हमें दुकान पे और अभी बच चुका है 10। अभी जितना भी काम था, मतलब जो 2-3 लिस्ट आता है डेली का, तो वो सारा भी काम डन हो चुका है। देखिए बारिश होने लगा, बताइए अभी कितना मौसम सूखा सूखा था। बाकी हम कुछ कुछ सामान अभी से लेना स्टार्ट कर दे। वैसे तो देखो लेना है हमको सारा कुछ दुकान से ही, बट हम सोचे ना कि एक बार में इतना सारा सामान लेने से बेटर है कि थोड़ा 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 करके ले, क्योंकि अभी कुछ दिन है और कुछ दिन में मेरा मतलब लाइक जैसे शैम्पू हो गया, ये सारा मसाला वगैरह होगा, तो ये सब हम ले लेते हैं। चावल और दाल का बारी रहेगा तो वो हम लेंगे जिस टाइम जाने वाले रहेंगे ना तब, इसलिए अभी कुछ को सामान लिया आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे तो सर्फ और साबुन हम आज से 1.5 महीना पहले ले जाके अपने रूम में रख दिए थे, और अभी ये सब चीज ना नहीं रखेंगे, नहीं तो ना मेरे रूम में बहुत मुश्किल से चूहा भगा था। देखे तो ना आप लोग कितना चूहा लगा रहा था, वापस से चूहा लग जाएगा तो बेकार ही हो जाएगा। खैर मैं अभी फिलहाल आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या चीज का हम पापा जी की दुकान से शॉपिंग किए हैं। तो देखिए ये वो सामान है जिसको हम 1.5 महीना पहले जुटाए थे, एंड अभी जो लिए वो हम दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए हम ब्रश लिए हैं, यही ना हम भूल जाते, इसलिए हम लिस्ट बनाना चाहते थे। अभी पता हम दुकान में ब्रश ढूंढ रहे थे, सोचे क्या कि चलो अभी नहीं है ना तो हम बाद में ले लेंगे, और यहाँ हम ऑलरेडी ला के रखे, चलिए कोई। अभी जो ब्रश हम डेली यूज कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा रिजेक्टेड हो गया, हमको नया निकालने का था, तो हम सोचे कि नहीं नया अब हम लेके कोलकाता जाते हैं, नए लाइफ के साथ नया ब्रश भी निकालेंगे। बाकी अभी हम क्या कहना है ना वो दिखाते। थोड़ा सा शैम्पू का पाउच लिए, ऐसे तो कितना भी शैम्पू यूज कर ले लास्ट में हम डब से ही सेटिस्फाई होता है मेरा बाल, एंड और कुछ दिखाते। तो देखिए अभी वापस से कॉलगेट ले आए जिसका काम रहता है। अभी यहाँ देखिए यहाँ पे पुराने वाले में था ना वही हमको याद नहीं, और लिस्ट बना लेंगे सब कुछ इजी रहेगा। इधर देखिए हैंड वॉश, हैंड वॉश भी आई थिंक हम लाए थे, नहीं हैंड वॉश नहीं है, खैर कोई ना इनो रखे, क्योंकि हमको वो गैस वाला प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, और वहाँ हो जाएगा रात में तो क्या ही करेंगे। कुछ जलजीरा ले लिया पता नहीं क्यों, रसना ले लिया ये भी पता नहीं क्यों, और इधर गर्म मसाला और चिकन मसाला, साथ में एक फेविक्विक रख लिए। तो चलिए इसको अभी अच्छे से पैक करके रख देते हैं।